तो दोस्त मैं बैटरी के जितने प्लेट है इसमें सभी मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें एक भी प्लेट में पानी नहीं है दोस्त, जैसे आप देख पा रहे हैं। दोस्त अगर आप भी इस तरीके की गलती करते हैं तो आपकी भी घर में बैटरी फट सकती है, उसके बाद से ना कंपनी जिम्मेदार होगा ना ही दोस्त आप भी जिम्मेदार होंगे। दोस्त इस वीडियो में एकदम अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को बैटरी के बारे में एक चीज बताने वाला हूँ, अगर ये आप भी गलती करते हैं दोस्त तो आपकी भी बैटरी फट सकती है घर में। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं बैटरी के ऊपर का जो लगा हुआ ढक्कन है जिसकी सहायता से हम पानी डालते हैं, इसको पूरे कैप को अच्छी तरीके से मैं खोल रहा हूँ। दोस्तों मैं आप लोग को अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, इस पूरे आप जितने भी यहाँ पे सेल है जिसमें पानी डालना दोस्त जो प्लेट होती है, इसमें किसी भी प्लेट में आप देखिए इसमें एक भी पानी नहीं है, एक भी बूंद आपको देखने को पानी नहीं मिल पाएगा। जैसे कि दोस्त मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपकी जब भी बैटरी इस तरीके का पानी खत्म हो जाता है उस समय आप बोलते हैं किसी न किसी दुकानदार भाई से जाकर के या किसी भी कंपनी का आप शिकायत बात करने लगते हैं कि जिससे कि हमारी बैटरी खराब हो गई है, ये वो मतलब तमाम दुनियादारी लोग बात करने लगते हैं जाकर दुकानदार से और बोलते हैं क्या चीज हम पैसा दे करके बैटरी खरीदे हैं आप क्यों नहीं वापस करके देंगे क्या नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को काफी दिक्कत होता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्त आपको क्या करना है। जब भी बैटरी में पानी थोड़ा सा खत्म होता है तो आपको 3 महीने के अंदर में एक बार आपको जरूर पानी डालना होता है। तो दोस्त मैं आपको बता दूं जैसे आप देख पा रहे हैं इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ इस बैटरी में साफ पानी नहीं है। दोस्तों मैं ऊपर की साइड में इधर दिखाना चाहता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं इन्वर्टर में इस समय लाइट भी नहीं आई है। दोस्त ये कोई फेक वीडियो नहीं है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इन्वर्टर को ऑन कर रहा हूँ दोस्त, यहाँ पे इन्वर्टर भी हमारा ऑन हो रहा है और लाइट भी हमारे जो इस रूम का है पूरा चालू हो चुका है, ठीक है दोस्त। तो मैं आप लोगों को इसलिए इस वीडियो को बना के दिखा रहा हूँ जिससे कि आप लोग भी ऐसा गलती ना करें। और दोस्त मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया, मुझे इसीलिए बुलाया गया कि बैटरी क्या हुआ है कि बैटरी हमारा यहाँ पे जो है वो खराब हो चुका है, मेरा बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने के लिए आया हूँ, यही दिखाने के लिए आया हूँ जो कि आप अगर ये कर लेंगे दोस्त तो आपकी बैटरी की जो क्षमता होगी काफी बढ़ जाएगी दोस्त, और मतलब आपकी बैटरी अच्छी तरीके से बैकअप देगी। तो दोस्त हमें इस समय तत्काल में हम पानी नहीं डाल सकते हैं, अगर हमें पानी डालना होगा जिस समय उस समय दोस्त जबकि यहाँ पे इन्वर्टर में लाइट जब रहेगा मेन जब आ जाएगा दोस्त, जहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेन जब आया रहेगा दोस्त जो कि मेन सप्लाई होता है दोस्त 220 वोल्ट एसी सप्लाई, उस समय दोस्त हमें क्या करना है इसमें पानी डालना है। अगर पानी इस समय हम डाल देंगे दोस्त तो क्या होगा कि अभी जो हमारी बैटरी वो डिप में चली जाएगी। और अगर इस तरीके आपके पास जब भी होता है दोस्त तो आपको क्या करना है सिंपल सा, जब लाइट आएगा उसके बाद से आपको एक गिलास इसमें पानी डालना है, एक गिलास इसमें, सभी में एक एक गिलास बस पानी डालना है, ठीक है। उसके एक एक से डेढ़ घंटे बाद से पुनः एक एक डेढ़ डेढ़ गिलास आप पानी को डाल सकते हैं दोस्त। अगर आपके घर पे और लाइट आता है तुरंत नहीं कटता है तो आप चाहें तो आप पूरा पूरा अच्छी तरीके से भर सकते हैं, जैसे इसमें लगभग 1.5 इंच पानी कम रखना है, ठीक ना, तत्काल में जब भी आप पानी डालेंगे तो, जिससे कि दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इंडिकेटर जो लेवल होता है अगर आप इसको डालते हैं दोस्त तो इतना नीचे तक रहेगा तो आपका पानी तब तक ये फुल फूटी आपको दिखाएगा जैसे पानी रहेगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना है 1.5 इंच जब नीचे रहेगा दोस्त तो आपको पानी नहीं डालना है, ठीक ना। तो दोस्त हम फाइनली इंतजार करते हैं लाइट का, जब लाइट आ जाएगा तो हम इसमें आपको पानी डाल करके अच्छी तरीके से दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों फाइनली लाइट आ चुका है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ मेन ऑन या स्मार्ट चार्जिंग भी दिखा रहा है, ठीक ना दोस्त। अब हम क्या किए हैं यहाँ पे बैटरी हमारे पानी नहीं है दोस्त, जैसे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद से दोस्त मैं अब आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे एक गिलास लेके आया हूँ और ये बैटरी का पानी जो आता है दोस्त डिस्टिल वाटर, उसको मैंने अच्छी तरीके से मार्केट से परचेज करके लेके आ चुका हूँ। अब दोस्त मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अच्छी तरीके से पानी को लेकर के गिलास की सहायता से बैटरी के अंदर डालने वाला हूँ। दोस्त अगर आप बैटरी का पानी अगर डालना चाहते हैं और एकदम इजी तरीके से किप की सहायता से, तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाकर रखा हूँ इंड स्क्रीन पे आपको लगा दूंगा, उस वीडियो को आप जाकर के चाहे देखना तो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं फटाफट अब पानी डालता हूँ बैटरी में। दोस्तों सबसे पहले आपको बैटरी का पानी ले लेना है, पानी लेने के बाद से दोस्त आपको क्या करना है बाटल से अच्छी तरीके से गिलास में गिलास आपको निकाल लेना है। दोस्त मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर ये पानी आपके शरीर पे गिरता है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, तो आपको बिल्कुल इससे डरने की जरूरत नहीं है।
वो दोस्तों हम फाइनली सभी बैटरी का प्लेटों में अच्छी तरीके से एक गिलास पानी डाल दिया हूँ। दोस्तों डालने के बाद से पानी को भी अभी भी देखिए दोस्त प्लेट में एक भी ठोप पानी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्त, हमें जैसे जो अनुमान लग रहा है कि बैटरी के नीचे जो प्लेट है दोस्त उसमें का भी पानी अच्छी तरीके से सूख चुका है। तो दोस्त हम क्या कर रहे हैं, फिर से इसमें और भी पानी डालने का कोशिश कर रहे हैं। दोस्त हमको लग रहा है कि 5 लीटर तो पानी मतलब खत्म हो ही जाएगा, इसके बाद भी फिर से हमको 5 लीटर और ला के डालेंगे, फिर भी पानी अभी इस बैटरी में अवेलेबल नहीं हो पाएगा। मुझे अनुमान जहाँ तक है वहाँ तक मैं बता रहा हूँ दोस्त, ठीक ना। तो चलिए दोस्त हम फटाफट इसमें पानी को अच्छी तरीके से डाल लेते हैं, क्योंकि दोस्त इस समय हमारे पास लाइट है और लाइट है दोस्त, इस समय हम पानी डाल रहे हैं तो किसी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। तो दोस्त जैसे आप देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से ये भी पानी खत्म हो चुका है। तो दोस्त मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अभी आपको अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा बैटरी में कितना पानी हो चुका है। तो दोस्तों हम फाइनली आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं बैटरी के प्लेट में अब अच्छी तरीके से पानी दिखाई देने लगा है। दोस्त मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप ध्यान से अगर देखेंगे दोस्त इसमें, तो आपको कुछ पानी का बॉयल उबलता हुआ देखेगा दोस्त, जो कि पानी जो चार्ज हो रहा है बैटरी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाना चाहता हूँ, सभी बैटरी का जो भी प्लेट है उसमें अच्छी तरीके से पानी हो चुके हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी इसमें 5 लीटर पानी और चला जाएगा इसके अंदर, ठीक ना। लेकिन दोस्त हम इस समय बिल्कुल इसमें पानी अब नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि दोस्त अगर इसमें ज्यादा पानी डाल देंगे दोस्त और लाइट कट जाता है तो हमारी बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक ना। तो इसके लिए दोस्त हम फिर से कल क्या करेंगे, एक बॉटल फिर से पानी लाएंगे और उसके बाद से मैं इसमें डाल दूंगा फिर से धीरे धीरे करके पूरे पानी को, ठीक ना। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आप लोगों का कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं इस नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।